हेलो दोस्त, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं जा रहा हूँ स्कीइंग करने। स्कीइंग मतलब कुछ नहीं, एक पहाड़ होता है बहुत बड़ा सा, उसके ऊपर फट्टे लेके चढ़ते हैं और वो फट्टे पैरों में लगा के फिसल जाते हैं, बस वही स्कीइंग है। उसका अंग्रेजी नाम स्कीइंग है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे स्कीइंग के लिए कितना क्रेज़ है यहाँ पे, और बड़ी मुश्किल पड़ेगी शायद क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्कीइंग के लिए जाते हैं और वहाँ पे लिफ्ट के द्वारा ऊपर तक जाते हैं और फिर वहाँ से फट्टे लगा के फिसल के नीचे आते हैं। ओके, सो कीप वॉचिंग। गाड़ी का टैंक फिल कर लिया है। अब अपना टैंक फिल करने के लिए गर्म कॉफी लेनी है जो पूरे इस ठंडे मौसम में माहौल बनाए रखेगी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी कॉफ़ी मिलती है डंकिन डोनट्स की, और मैं अपना फ्लास्क साथ लेके आया हूँ ताकि काफ़ी देर तक गर्म भी रहे। तो लेट्स टेक कॉफ़ी। आज जहाँ मैं स्कीइंग करने जा रहा हूँ उसका जगह का नाम है सुगर बुश रिसॉर्ट हिल्स। तो वहाँ तक जाने के लिए करीब आधा घंटा लगता है मेरी जगह से, और प्रिडिक्ट किया है, फोरकास्ट किया है कि काफ़ी स्नो है आज, रोड्स वगैरह स्लिपरी रहेंगी, जाने में दिक्कत हो सकती है और आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि स्पीड हमको स्लो चला के जानी पड़ेगी। और जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो काफ़ी भीड़ और काफ़ी क्राउड बताया गया है, लेकिन पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी कोविड 19 के प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा रहे हैं वहाँ पे, वैसा सुना है और ऐसा है भी। तो इट्स सेफ, एंड जितनी भी स्कीइंग वहाँ पे होती है वहाँ पे इतना क्राउड मेंटेन करने के लिए उन्होंने उतना स्टाफ भी लगाया हुआ है। ऐसी रोड्स पे गाड़ी चलाने के लिए जब विंटर शुरू होते हैं तो टायर चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि जब स्नो होती है रोड पे काफ़ी स्लिपरी हो जाती है, तो उसके लिए अलग से टायर लेने पड़ते हैं जो कि खाली विंटर्स में ही काम करते हैं। उससे इसकी ग्रिप बहुत अच्छी बनी रहती है, और उस टायर की जो मटेरियल है वो भी समथिंग इट इज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि इतने कोल्ड टेम्परेचर में काफ़ी लचीला होता है। और दोस्त, ये मैं पहुंच गया हूँ शुगर बुश स्की रिसॉर्ट। जैसा कि आपने देखा कि पुलिस भी यहाँ पे है जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है और देख रही है कितने लोग आते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट किया जाता है। पार्किंग करने के लिए हर जगह अलग अलग पार्किंग स्पेस दिए गए हैं। जो पार्किंग जहाँ पे खाली होती है वहीं पे आप लोगों को डायरेक्ट किया जाता है कि वहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। हमको हमारी पार्किंग स्पेस मिल गई है और यहाँ पे हमको हमारी गाड़ी पार्क करनी है। उसके बाद गेट रेडी, गेट सेट एंड गो। मैंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, शूज़ चेंज कर रहा हूँ जो उस स्की पे फिट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और मेरे पैर को और स्की को अलग नहीं होने देते।
वो जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं उसके पीछे पूरा पहाड़ है जो कि इस स्नो की वजह से दिख नहीं रहा, पूरा सफेद हो चुका है। वापिस आऊंगा तो इस गाड़ी का पूरा सफेद बाबा बना हुआ मिलेगा मेरे को। दोस्तों इस एपिसोड के लिए इतना ही, आगे का हाल मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, जहां मैं ऊपर जाता हूं, वहां से स्की करके नीचे आता हूं और यहां का पूरा जो स्की का एनवायरनमेंट है कैसा दिखता है। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, थैंक यू।